नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक पहुंचे भिवानी, भाजपा के मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे सांसद। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को लगेंगे 4 चांद, प्रशासन ने शहरों की तर्ज पर गांवों के लिए बनाई योजना। डीजे पर हुए विवाद को लेकर ऑफिस और गाड़ी में लगाई आग, आग से गाड़ी और लाखों रुपए का सामान हुआ जलकर राख। साइबर सेल की सक्रियता से मिले गुम हुए 20 मोबाइल, साइबर सेल ने बिहार तक से बरामद किए गुम मोबाइल। 4 युवकों ने एक नाबालिग बच्चे के साथ किया कुकर्म, पुलिस जुटी जांच में। अज्ञात चोरों ने चटकाए बंद मकान के ताले, लाखों के गहनों पर किया हाथ साफ, पुलिस जुटी जांच में। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ के निवास स्थान पर सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने पहुंचकर भाजपा के मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं बैठक में सांसद ने मंडल अध्यक्षों का चुनाव करने के लिए भाजपा के जिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ सलाह मशवरा। सोमवार को विधायक घनश्याम सर्राफ के निवास स्थान पर भाजपा कार्यकर्ताओं के मंडल अध्यक्ष बनाने की बैठक को लेकर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की आयोजन किया गया। इसमें सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक घनश्याम सर्राफ और सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक के सामने अपने मनपसंद मंडल अध्यक्ष चुनने के लिए राय दी और उसी के आधार पर भाजपा मत का फॉर्म भी भरवाया गया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता विधायक के निवास स्थान पर इकट्ठा हुए। वहीं जब इस बारे में सोनीपत के सांसद और नगर के विधायक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की राय ली गई है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा संगठन का चुनाव चल रहा है, इस संगठन की भी मीटिंग है, संगठन की ही के लिए आज मीटिंग है। जो हमें मंडल प्रधान बनाने हैं उनके लिए सबके फार्म, उनसे ये राय शुमारी करने के लिए कौन बढ़िया रह सकता है और पब्लिक या लोग किसको चाहते हैं, इस बात के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें प्रजातंत्र तरीके से हम वो अपनाते हैं, जिस तरह की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी बने हैं और अब ये रिपोर्ट से आगे हम पार्टी में हाईकमांड में प्रदेश में सौंपते हैं, उसके लिए ये राय चाहिए। मंडल चुनाव की दृष्टि से राय शुमारी का ये कार्यक्रम माननीय हमारे लोकसभा के सांसद रमेश कौशिक जी, ललित बत्रा जी इस कार्यक्रम के निमित्त और सभी हमारे साथी जो यहाँ पधारे हैं, ये केवल और केवल राय शुमारी का कार्यक्रम है। प्रत्येक कार्यकर्ता से ये जाना जाएगा कि वो किसको चाहते हैं मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए, उसके बाद हम ये लिफाफा बंद करके हमारे प्रदेश कार्यालय में दे देंगे और वहाँ प्रदेश के अधिकारी और सेंटर के अधिकारी बैठकर निर्णय करेंगे कि किसका क्या हिसाब किताब है। बहुत जल्द भिवानी जिले के सभी गांव राजधानी चंडीगढ़ की तरह से साफ सुथरे चमकते हुए दिखाई देंगे, यह कहना है भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार का। सोमवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीणों को सफाई के प्रति जागरूक करते हुए गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यूं तो भिवानी के हर गांव में तरह तरह की प्रतिभाएं हैं, किसान और मजदूर मिलकर देश के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यहां के युवा फौज और पुलिस में भर्ती होकर देश और प्रदेश की रक्षा करते हैं। गांव का भाईचारा और खान पान पूरे देश में सबसे अच्छा भी माना जाता है, पर शायद ही कोई गाँव होगा जिसमें प्रवेश करते ही जगह जगह कूड़े और गंदगी के ढेर ना दिखाई दे। ये गंदगी ही है जो गाँव को शहरों से अलग करती है। गाँव के बिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ही गंदगी है। जोहड़ हो या कोई अन्य खाली जगह, चारों तरफ गंदगी के ढेर दिखते हैं। ये गंदगी न केवल गांव के विकास को रोकती है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ मानसिकता को भी गंदा करती है। लेकिन अब जिला प्रशासन ने जिले के सभी गांवों को शहर की तर्ज पर चमकाने के लिए मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत लोगों को जागरूक कर गंदगी न फैलाने के लिए जागरूक किया जाएगा और उसके बाद जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही कूड़े और कचरे के प्रबंधन के लिए भी हर गाँव में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ADC डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि गांव को साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छ दस्ते बनाए गए हैं जो गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे।
और खास बात यह है कि प्रशासन की इस पहल की भी ग्रामीण सराहना कर रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाए और कूड़े और कचरे का प्रबंधन सही तरीके से होना चाहिए। स्वच्छता दस्ते बनाए गए हैं जिनमें 7-8 लोगों की टीम होगी जो गांव-गांव जाकर पब्लिक प्लेसेज हैं मेनली, जैसे गांव की नालियां हैं या जो आप गलियां हैं, ग्राम सचिवालय है, स्कूल है, उन सब की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। ग्राम पंचायतों को भी ये अधिकार है कि वो जो लोग गंदगी फैलाते हैं उन सब पर जुर्माने का प्रावधान है। मान लीजिए कि अगर कोई खुले में कचरा डालता है उस पर 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अगर कोई गोबर या जो पशुओं का मल है उसको खुले में या ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे डालता है उसमें 750 रुपये का जुर्माना है। अगर कोई अपना सीवरेज का जो है या जो गंदा पानी है उसको, जो गांव का जोड़ है पब्लिक जो जिसमें सभी पशु पानी पीते हैं, तो उसमें 1500 रुपये का जुर्माना है। और अगर कोई खुले में शौच करता है, खुले में अब मल त्याग करता है, तो उस पर 2000 रुपये का प्रोविजन है। तो ये सब ग्राम पंचायतों का अधिकार है कि वो ये सब जुर्माना उन व्यक्तियों से वसूल सकती हैं। सोमवार को जीतूवाला जोड़ के निकट बर्थडे पार्टी मनाते हुए दो गुटों के बीच आपसी कहासुनी हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झगड़ा इस कदर तक जा पहुंचा कि रात के समय शराब के नशे में उन्होंने गली में खड़ी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। वहीं ASI पुलिस धर्मवीर ने मौके पर पहुंचकर नरेंद्र के बयान पर अपनी कार्रवाई आरंभ कर। जीतूवाला जोहड़ के समीप बर्थडे पार्टी में दो गुटों के बीच शराब के नशे में हुए झगड़े का विवाद रविवार रात को बढ़ गया। कुछ युवकों ने आधी रात को ट्रेवल संचालक के टवेरा गाड़ी और ऑफिस में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग में गाड़ी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई, जबकि ऑफिस में रखा हजारों रुपयों का फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया। घटना की शिकायत नई अनाज मंडी चौकी पुलिस में की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन भी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीतूवाला जोहड़ क्षेत्र निवासी नरेंद्र ने बताया कि उसके परिवार में रविवार रात को पार्टी थी और पार्टी में DJ लगाया होता जिस पर परिवार के लोग डांस कर रहे थे कि अचानक इस दौरान गोल्डी और करमवीर सहित उनके कुछ साथी शराब के नशे में आकर डांस करने लगे। जब उन्हें हटाने की बात की गई तो इस पर वो भड़क उठे और गाली गलौज करने लगे। इसी के चलते आधी रात को जब सब लोग सोए हुए थे तो उक्त व्यक्तियों ने इस बात का बदला लेने के लिए पेट्रोल डालकर वहां खड़ी उनकी गाड़ी और ऑफिस में आग लगा दी, जिससे कि उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। ASI धर्मवीर ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। रात की बात है, जी 10-7 बजे की बात है, लड़के आए करमवीर, गोल्डी, रविंदर, ये तीनों आए, दारू ले रखी थी हाथ में, तो बोले कि हम बैठ के यहाँ पिएंगे। तो मैं बोला कि यहाँ नहीं पीने, लेट हो गया, मैं अपनी दुकान बंद करके चला गया। रात को उन्होंने ताला तोड़ा है, रात को दारू पी, यहाँ पे आग लगाई गाड़ी में, आग लगाई। तो मेरे ड्राइवर ने आके देखा था, मेरे को बताया कि गाड़ी में आग लगा दी उन्होंने। फिर आगे चाचा का लड़का था, उसके घर गए, वहाँ पे तूड़ी में आग लगाई है, भैंसों खोल दिया उसने, और चाट बाट थी, ड्राम थे, सब में आग लगा दी उसने। अरे ये मेरा ऑफिस था, ऑफिस में भी आग लगा दी, गाड़ी में भी आग लगा दी, करीबन हो गया मेरा 4.5-5 लाख रुपया करीब। यदि आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो कृपया इस खबर की ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि भिवानी पुलिस की साइबर सेल ब्रांच ने चोरी हुए लगभग 20 मोबाइल फोन्स को बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों से बरामद कर इनके असली मालिकों को लौटा दिया है। वहीं DSP वीरेंद्र सिंह ने मोबाइल फोन्स धारकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। मोबाइल आज लगभग हर इंसान प्रयोग करता है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में मोबाइल का प्रयोग हम सब पर भारी पड़ सकता है, खासकर तब जब हमारा मोबाइल गुम हो जाए या चोरी हो जाए। ऐसे में हमारे मोबाइल का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत प्रयोग करने और यहाँ तक कि उस मोबाइल से कोई आपराधिक कार्य तक करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन सब से सावधान रहने के लिए पुलिस समय समय पर जागरूक भी करती है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही कर आफत खड़ी कर लेते हैं। पुलिस की साइबर सेल ने 20 मोबाइल्स बरामद किए हैं। ये वो मोबाइल हैं जो कहीं ना कहीं गुम हो गए थे और पुलिस के पास इनकी शिकायत आई थी। साइबर सेल ने इन मोबाइल्स को ढूंढ निकाला है और संबंधित लोगों को लौटाया है। DSP हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह जांच के बाद इन मोबाइल्स को लौटा रहे हैं और साथ ही आम जन के लिए संदेश दे रहे हैं कि जब भी किसी का मोबाइल गुम हो या चोरी हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दे, अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपके मोबाइल से कोई भी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकता है। पहले तो अपने मोबाइल हमारी पुलिस विभाग द्वारा जो साइबर सेल है हमारा, वो लॉस्ट एंड प्रॉपर्टी के जो मोबाइल्स हैं उनको ट्रेस करके और हमारे DGP साहब के निर्देशानुसार जिन व्यक्तियों के मोबाइल गुम हो जाते हैं साइबर सेल उन्हें ट्रेस करता है और लॉस्ट एंड प्रॉपर्टी के संबंध में जो है ना रिपोर्ट जो दर्ज करी जाती है उनको हमारा साइबर सेल अथक प्रयास से ढूंढता है
और उन व्यक्तियों तक पहुंचाता है जिनके वो मोबाइल कहीं ना कहीं गुम हो गए थे, कई रोडवेज में छोड़ जाता है, रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया, पार्कों में छोड़ गए, या किसी का घर में पड़ा हुआ मोबाइल गुम हो गया, या बस में से चलते हुए गिर गया, बाइक पे से गिर गया, या पार्क में छोड़ दिया। इस टाइप के वो मोबाइल जिनकी शिकायतें लोग आके दर्ज करवा के जाते हैं कि भाई मेरा मोबाइल फलानी जगह गुम गया, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि मोबाइल से अगर किसी का गुम मोबाइल है और वो उस व्यक्ति तक पहुँच जाए तो सबसे बढ़िया है, अन्यथा कोई भी आपराधिक व्यक्ति जो है ना उस मोबाइल को किसी ऐसी प्रक्रिया में प्रयोग कर सकता है जो हमारे समाज के लिए और उस व्यक्ति के लिए दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमारे विभाग ने ये कदम उठाया क्योंकि जिन व्यक्तियों के मोबाइल गुम हो जाते हैं उन्हें ढूंढ कर उन व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। और आज इसी क्रम में हमारे साइबर सेल द्वारा लगभग 20 व्यक्तियों के गुम हुए जो मोबाइल थे उनको ढूंढा गया और उनके हवाले किए गए। अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल कहीं गुम हो जाता है या गिर जाता है तो सर्वप्रथम उसे जाके थाना को सूचित करना चाहिए, इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। और जिस कंपनी का वो मोबाइल है, जिस कंपनी का वो सिम चल रहा है, उस कंपनी से उस मोबाइल को बंद करवा देना चाहिए ताकि वह किसी आपराधिक व्यक्ति द्वारा किसी वारदात में प्रयोग ना किया जा सके। तोसाम के निकटवर्ती गांव में 4 युवकों द्वारा एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने का मामला संज्ञान में आया है। इस बारे में पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित लड़के के बयान पर आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पूछताछ आरंभ कर दी गई है। थाना तोशाम क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय बच्चे के साथ 4 युवकों द्वारा कुकर्म का मामला प्रकाश में आया। परिजनों ने बच्चे को घायल अवस्था में सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया। परिजनों ने गांव के ही 4 युवकों पर आरोप लगाए हैं। जब इस बारे में उपाधीक्षक वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे के बयान पर गांव के ही 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही है। कल सायं के वक्त तोसाम थाना क्षेत्र से एक हॉस्पिटल से रुका प्राप्त हुआ था थाना में, जिस संबंध में हमारा पुलिस अधिकारी वहाँ बयान लेने गया तो वह लड़का, एक नौजवान लड़का था, नाबालिग, वह लड़का अचेत अवस्था में था। जब वह बयान लेने के लिए अधिकारी वहाँ, थोड़ी देर में ही एक और नाबालिग बच्चा वो वहाँ हॉस्पिटल में उसका बाप उसको लेके आया और उन्होंने एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाने आरंभ कर दिए। जो दोनों ही बच्चों का नाम राहुल है, एक की उम्र करीबन 14-15 साल है, दूसरे की 13-14 साल है। दोनों ने एक दूसरे के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप लगाने स्टार्ट कर दिए कि भी उन्होंने उनके साथ गलत काम किया है। इस संबंध में जैसे भी बयान आएंगे उसी अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शांतिनगर स्थित गली नंबर 11 निवासी प्रवीण कुमार के बंद मकान को चोरों ने रात के समय अपना निशाना बनाकर लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर डाला। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग की एक्सपर्ट्स व एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और अपनी जांच आरंभ कर दी। रविवार रात चोरों ने अपने हौसलों का परिचय देते हुए एक मकान को निशाना बनाया और लाखों के गहनों पर हाथ साफ किया। स्थानीय शांतिनगर के कोट रोड गली नंबर 11 के निवासी प्रवीण अपने परिवार सहित अपने ससुराल गया हुआ था, लेकिन जब वो वापस आया तो अपने मकान के ताले टूटे देखे तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही एक्सपर्ट्स और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। जब मकान मालिकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने घर पर ही परचून की दुकान खोल रखी थी और उनके घर से 1,00,000 रुपए नगद, 2 सोने के सेट, सोने के कंगन और चांदी के सिक्कों सहित 3-4 लाख की लगभग चोरी हो चुकी है। ये मेरे अंकल जी हैं परवीन जी, उनका मकान है और वो अपने ससुराल गए हुए थे भुना के पास, गाँव है डुल्ट। तो कल वो 12 बजे के करीब गए हैं दिन में और रात को ये वारदात हुई है। 12 बजे तक तो हमने संभाला भी है, सब कुछ नहीं था। इस घर के जस्ट बिल्कुल सामने है, उन्होंने भी देखा, 2 बजे तक भी कुछ नहीं था, उसके बाद ही ये वारदात हुई है। उसके बाद वो 6:30 बजे उठे हैं, उन्होंने देखा है, 7:45 बजे वो मेरे घर पे आए हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घर खुला हुआ है और यहाँ पे लोग था, तो हमने आके देखा है। फिर मैंने आसपास में जो हमारे मुझे कम से कम 10-12 तोला सोना था और 1,00,000 से ज़्यादा का कैश था, दुकान का गल्ला भी उन्होंने उखाड़ रखा है। नाम प्रवीण कुमार है। हम शाम को मेरी नानी के घर गए थे और हमारे घर पे गोल्ड रखा था, वो गोल्ड ड्रेसिंग में गोल्ड रखा था, सारा गोल्ड ले गए। 1,00,000 रुपया कैश था, पर वो था बैग था, उसके अंदर डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, आधार कार्ड था, 2,000 रुपये कैश थे, बस यही था।
और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक पहुंचे भिवानी, भाजपा के मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे सांसद। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को लगेंगे 4 चांद, प्रशासन ने शहरों की तर्ज पर गांवों के लिए बनाई योजना। डीजे पर हुए विवाद को लेकर ऑफिस और गाड़ी में लगाई आग, आग से गाड़ी और लाखों रुपए का सामान हुआ जलकर राख। साइबर सेल की सक्रियता से मिले गुम हुए 20 मोबाइल, साइबर सेल ने बिहार तक से बरामद किए गुम मोबाइल। 4 युवकों ने एक नाबालिग बच्चे के साथ किया कुकर्म, पुलिस जुटी जांच में। अज्ञात चोरों ने चटकाए बंद मकान के ताले, लाखों के गहनों पर किया हाथ साफ, पुलिस जुटी जांच में। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।